GT 100 सही है भाई, सही है। खुद करेगा मॉडिफाई, पूरा धुआं धुआं कर दिया। आगे हम लोग खेतों के बीच में, सुनो भाई, ऐसे हो मेरे खेतों के चाहने वालों, बहुत अच्छे हैं लेकिन हालत खराब हो। शाम सवेरे तेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ बंजारा व्लॉग्स 350 गाइस। तो आज हम जा रहे हैं एक राइड पर जो कि बहुत दिनों के बाद जा रहा हूं मैं। ऑलमोस्ट कितना हो गया होगा, अराउंड 1.5 महीने से ऊपर हो गया होगा, क्योंकि मैं गंगोत्री यमुनोत्री राइड करके आया हूं। उसके बाद से हम लोग गए थे खाटू श्याम जी, वहाँ के बाद से अब जा रहा हूँ मैं संडे राइड की बात बता रहा हूँ। मतलब संडे राइड प्लान ही कर रहा हूँ मैं आज काफ़ी दिनों बाद। तो इसमें मैं और बिट्टू जा रहे हैं यहाँ से अपने घर से, और आगे जाने के बाद अभी नांगलों की तरफ जाएंगे हम। उस तरफ में मिले हमें अंकित भाई, मिलेंगे हमारे को आर एन पे वाले, और वहाँ से हम लोग 3 जन हो जाएंगे टोटल। फिर उसके बाद जाएंगे हम सिर्फ नजरबगढ़ से सीधे MN's मॉल की तरफ बढ़ेंगे। फिर वहाँ से एक लंबी राइड जा रही है, उसमें जाएंगे हम लोग जो कि जाएंगे थोड़ा सा शॉटल तक। यहाँ पे मंदिर है, जय हो। एक मिनट यार, कॉल आ रहा है, चेक करता हूँ मैं। तो भाई इधर आ चुका हूँ मैं नांगले में, नजरगढ़ वाला जो रोड है इस रोड पे आ गया मैं, और इधर ही कहीं मिलेंगे हमें अंकित भाई, क्योंकि यहाँ पे विजन से खुला है नया, इसे थोड़ा सा आगे है और आगे कहीं रुके होंगे, देखते हैं कहाँ पर है। 500-700 मीटर बता रहे भाई चाय वाले के, यहाँ पे देखते हैं भाई कहाँ पर है। बाकी यार रोड तो बड़ा ख़राब है यार, साला पानी पानी लगा हुआ है। सही बोल रहे थे यार, रोड ख़राब है, कोई नहीं थोड़ी देर ख़राब है उसके बाद तो ठीक मिल जाएगा। अच्छा क्या हाल है दिलीप, इसको तो पहचान रहे होगे। आगे भाई, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये रही बाइक R15। गाइस अंकित भाई मिल चुके हैं हमें, और हम 3 जने हो टोटल यहाँ से, और उधर से जो पूरी लाइन हमारी HRB ग्रुप हमारा वो अभी नजरगढ़ पहुँचने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं कब तक आते हैं वो, क्या पता हम उनसे पहले पहुँच सकते कि हम लोग उनसे पहले ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि रोड बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सामने ही है, और वो लोग थोड़ा सा पीछे दिख रहे हैं। अभी देखते हैं कब तक आते हैं वो। हम लोग तो खैर पहुँचते हैं अपने ठिकाने तक सीधे नजरगढ़, फिर वेट कर लेंगे थोड़ी देर, उनका कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। आगे बढ़ते यार, अंधेरा है यहाँ पर, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दिखाऊंगा मैं। तो गाइस देखो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं नजरगढ़ बिल्कुल, और वो लोग भी आने वाले होंगे, आ रहे होंगे कहीं, मैं देख लेता हूँ। मैं इधर ही से आने चाहिए वो लोग, यहाँ साइड में रोक करके और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं मैप में कहाँ तक पहुँचे हैं वो लोग, लाइव लोकेशन भेजी हुई है। पुलिस वाले से कितनी एक पाउंड यार्ड है? इधर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या हाल है भाई? अरे भाई बुलेट लेके आ रहे हैं आज, चलते आगे। आप में कहाँ थे? अच्छा चलो भाई आगे लेते थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पर है Z900 जो कि कमल भाई की है। तेरे नस्ल आगे बढ़ते थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बहुत ऑलरेडी लेट हैं। 50 हो गए भाई, 5:50, 6 बजे तक हमें पहुंचना है। चलो अब भाई, अभी इतने बंदे हो गए, अभी और बंदे आएंगे जो कि आने वाले हैं सोनीपत साइड से, और 2-4 बंदे आने वाले हैं फरीदाबाद साइड से। तो टोटल कई जने होने वाले हैं, अभी कम से कम 21-22 लोग तो होने वाले हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा भाई, बाकी तो एमएनस मॉल पे पहुँचना है हमें सबसे पहले। तो एकदम से ब्रेकर आ गया, जैसे रेस दे रहे ब्रेकर आ जा रहा भाई, ये देखो बिल्ली। अरे उन्नीस सौ क्या सुनो, भाई बहुत देर के बाद मिला मस्त रास्ता, खचम खच वाला। अरे भाई एकदम से ब्रेक किसने लगा रहा है यार,
एम्बुलेंस वाला आ गए आ गए। अच्छा इस तरफ से अजमाल बोला था कि यार रास्ते में मजा नहीं आया, क्या बोला मामला, 6:16 हो गए भाई, 6 बजे पहुँच जाना, 15 मिनट लेट हो गए। एम एस वाले कह रहे हम लोग आ चुके हैं, बाकी जीन उसो की आवाज़ भाई बहुत बेहतरीन आवाज़ लग रही थी, मजे आ गए थे। इधर लगा देते लाइन से, उधर लगा दो लाइन से। भाई देखो यहाँ पे उधर बहुत शोर मचा रहे, तो ये कह रहे कि उधर को अभी हम भी शोर मचा के दिखा देते हैं, जरा लाइन अप में लगा दे उसके बाद से। पटाखे सुनो भाई, तो भाई सारे बंदे इधर से उधर हो गए थे, अब इनको लेकर के आया हूँ मैं, ये जो पीछे तक बुला लिया था बिट्टू को वहां तक लशोक पार्क तक, उसके बाद से मैं जाकर के अब ले गया इनको, क्योंकि माथा खराब हुआ था ढूंढते ढूंढते। हेलो ये मेरे बेटे, ये मेरे से एक बार और पूरा धुआं धुआं कर दिया। G650 Z900 हीरो कंपनी के भाई स्प्लेंडर है, अब भाई स्प्लेंडर को जीटी बना दिया भाई लोंडे ने, क्या बात है। GT 100 सही है भाई, सही है, खुद करेगा मॉडिफाई? नहीं नहीं हाँ करवाई है, कंपनी ने बनाई ऐसी। अच्छा 100 सीसी में ही ना है? सही है यार, अच्छा 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 इसी दिन 35 साल हुए थे कंपनी में, तो ये बना के छोड़ दी मार्केट में, ज्यादा बिकी नहीं, बंद कर दी वहां। बढ़िया लग रही है यार ये, बिल्कुल जीटी की तरह लग रही है यार, ये तो बढ़िया लग रही है भाई। भाई सभी लोग निकल चुके आगे की तरफ, और हम लोग तो तीन जने हैं, मैं हूँ और विश्व भाई जी मेरे साथ पीछे बैठे हुए हैं, और विक्रम भाई जी आगे है, वो बाकी सारे बंदे बहुत पीछे रह गए, पता नहीं कहाँ पर रह गए, समझ में नहीं आ रहा साहब कितना पीछे रह गया भाई मेरे भाई साहब। मधु मक्खी सूच आई हेलमेट के पुलिस स्पेशल एडवाइजर को बात करा, मेरे भाई सर बंद नहीं होता वो, अब तक पूरा काट दिया था उसने मेरे को भाटे से, इसलिए वाइजर बंद करके चलाना चाहिए, खासकर ऐसी जगह पर जहाँ पर घास फूस हो, पेड़ पौधे हो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर थ्रोटल शोटल, और हमारे सारे जो राइडर्स हैं पता नहीं कहाँ पर रह गए, हमें आना था यहीं पर, यही है यहाँ, ये थ्रोटल शोटल है आगे, बर्न आउट है हाँ यहीं पर ही हाँ,
अंदर है जगह बाइक लगाने की? बाहर बुला रहे हैं? अंदर नहीं जाना? आगे ले चल जाए। अबे भाई इनके पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को इनका प्लान क्या है। क्या करना भाई, क्या सीन है? अरे भाई कहाँ पे जाना है? एक और ग्राउंड है वहाँ पे जाना। सारे वहीं पर हैं? पता नहीं अभी कहाँ पर है, लोकेशन नहीं पता कहाँ है। पता है वो सब कैफे समझ के बैठे हैं। अच्छा 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 अच्छा, हम खुद कैफे समझ रहे हैं। हम लोग तो खुद कैफे को समझ रहे हैं। थ्रोटल शोल्डर जाना भाई, यहाँ नहीं जाना, जाना किसी ग्राउंड में, ये सिर्फ लोकेशन के लिए दिया हुआ है। अबे भाई घर पे बुला रहे हैं क्या? घर पे ऑर्गेनाइज कराया गया इन्होंने? कह रहा घर पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है क्या? पता नहीं कहाँ गलियों में भटका रहे हैं यार। तो भाई बहुत अच्छी राइड करते करते हम लोग बहुत बुरी बुरी होते जा रही राइड, और पता नहीं कहाँ खेतों के बीच में देखो भैंसों के साथ घूम रहे हैं। ये देखो ये जिक्सर तो घूम रही, चल ही नहीं पा रही। हमारे सभी राइडर्स पता नहीं कहाँ पर है, पीछे हम लोग आ गए हैं अभी। सिर्फ हमारे टोटल दो बाइक आ गए हैं, वो भी रॉयल इनफील्ड की, बाकी सब बंदे खोए हुए हैं पीछे। आएंगे अपना जब मर्जी, हम तो पहुँचते। भाई भूख लग रही है, पता नहीं कुछ मिलेगा भी नहीं ऐसे, गए सारा कुछ खरीद के भी नहीं खा सकते, दुकान ही नहीं होगी यहाँ पे। पता नहीं कहाँ पे आ गए हम लोग खेतों के बीच में। ये सींग निकल गए, सींग निकल गए खरगोश के। अपना भारत चंद्रयान पे चांद पे पहुंच गया, हम लोग अभी भी खेतों में घूम रहे हैं। देख लो अच्छे अच्छे रोड छोड़ करके, बताओ यार। टायर पूरा घिस गया क्या इसका? इसका टायर घिस गया लग रहा पूरा, कभी बार बार रिपट रही है उसमें। हाँ तो गाइस देख रहे हो, हम यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़े शोल्डर पता नहीं कैसे आए हैं, और दोबारा कभी भी आ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत टफ है रास्ता, अंदर की तरफ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो पता नहीं कहाँ पे आ गए मेरे हिसाब से। नहीं नया है भाई, इधर इधर मेरे हिसाब से नया है ये, नया। हाँ नया बन रहा है। हाँ ये नया है, ये नया है ना, पता ओपनिंग कर रहे हैं उसके चक्कर में इन्होंने वो किया, समझ गया। तो गाइस देखो नया खुल रहा है थोड़े छोटे इस चक्कर में, यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ पे कुछ कर रहे हैं किटकिट, देखते हैं क्या हो रहा है। कैश थैंक यू वेलकम। हेलो हेलो, तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं। 100-100 रुपए के दो टोकन ले लिया हमने, जिससे हम लोग खाना खाएंगे भरपेट। पैसा बर्बाद, इतना दूर आए हम लोग पेट्रोल फूक करके, अगर 100 रुपये खाना ही खाना था तो हम लोग बाहर खा लेते यार। तो कैसे हो मेरे खेतों के चाने वालों? हालत अच्छे है लेकिन हालत खराब हो गई। खेतों में आते आते हैं भाई, इस पे से आना था, ये जम करके ले जानी है। अरे नहीं देखो यहाँ पे सल्यूट टू डिफेंस फोर्स 5.0 की जो हमारी राइड है, ये हमें मिल चुका है यहाँ पे बैच। और मात्रम 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 नहीं भाई, वो काफी ना बोल रहा है। अरे भाई अचार भी है भाई, यहाँ पे लाइन लगी है पूरी तगड़े वाली भंडारे की तरह। वो देखो ऐसे भंडारे की तरह लेके बैठना पड़ेगा भाई, यही तो तरीका है। और क्या है वो पूड़ी नहीं, वो है तो सैंडविच है। तो बस फटाफट से हम ले रहे हैं लाइन में लगे हुए देखो, और उसके बाद खाएंगे दिखाते हैं क्या ले रहे हैं। वो हेलमेट भी लाएंगे भाई। देखो लो भाई ये मिला है, मैं सैंडविच मिला है और ये पाव भाजी इतना सा मिला है। देख लो फटाफट खाता हूँ मैं, और एक ये मिला है केक।
तो भाई यहाँ से अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारा हो गया थोड़ा सा, वो खा लिया हमने पाव भाजी, थोड़ा सा तो था, मज़ा भी नहीं आया। और राइड भी ठीक ठाक सी थी, ज़्यादा नहीं थी मस्त, बट ठीक है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, मज़ा नहीं आया। किया रे तूने जो भी, कैसे किया रे, ये तो भाई यहाँ पे हमारी हो गई राइड खत्म। अब हम जा रहे हैं सीधे घर की तरफ। 10:07 हो चुके हैं, हम निकल रहे हैं यहाँ से और थोड़ा खड़े होकर चला के देखते हैं भाई कैसा लग रहा है। भाई हम लोग तीन जने निकल चुके हैं, मैं, अंकित भाई और बिट्टू, हम तीनों जने निकल चुके हैं घर के लिए सीधा। 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता बता रहा है यहाँ से, 11:30 बजे तक पहुँचेंगे घर। पहुँचना फटाफट से, उसके बाद मेरी स्प्लेंडर बाइक में दिक्कत हो रही है, उसको ले जाकर ठीक करवाना है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही, कल बंद हुई थी, धक्का लगा के, धक्का लगा कर ले जाना पड़ा। पहुँचते हैं, मज़ा आता है टनल के अंदर चलाने में बाइक को बहुत। देखो यार भाई DLF City में मज़ा आता है बाइक चलाने बहुत ज़्यादा यार। देखो इतना मस्त मक्खन रोड मिलता है विदाउट ब्रेकर के साथ, ना कोई गड्ढे बड्ढे रोड में, मज़ा आता है भगवान यार। इस पर पे आगे तो गाइस फाइनली वो हम लोग आ चुके हैं अपने घर के बिल्कुल पास में। और वापसी में आते टाइम में मैं, अंकित भाई और दिलीप जो हम लोग एक साथ आए थे, तो मज़ा आया भाई, काफ़ी फिर भगाते हुए तेज़ी में क्योंकि रोड अच्छा मिला था ना, हमें बढ़िया रोड मिल गया था, सही खेचम खेच आए। और बस यहाँ से कुछ 7 से 8 किलोमीटर बाकी, कितना बाकी है, हाँ 7-8 किलोमीटर बाकी है अराउंड। थोड़ी सी देर में बस पहुँच जाएंगे हम लोग, 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे घर पे। हट जा भाई। तो भाई आज की राइड बताना कैसी लगी आपको, हमें तो ठीक ठाक लगी, बस ठीक ठाक लगी थी हमें राइड, ज़्यादा बहुत बेहतरीन नहीं लगी। बस वापसी के आते टाइम में ज़्यादा मज़ा आया हमारे को। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और शेयर जरूर कर दो भाई।